जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारे इनपुट्स आप लोग के आ रहे हैं और आप लोग sankeedesigner.com प्लेटफॉर्म पे भी जो है लॉग इन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अभी आपको उतना डेटा या उतना सपोर्ट ठीक से मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि अभी भी बैक एंड पे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारा जो रिसोर्स है उसको हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इवन जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं NHAI के लिए, उसके लिए भी आपको किसी कंसल्टेंट की हेल्प ना पड़े। आप जाके फॉर्मेट्स को देख लीजिए, ड्राइंग्स के फॉर्मेट को देख लीजिए, और आप बहुत सारे और जियोस को आप उसको देख पाइए और जा करके अपने आप को एम्पावर करिए। पर दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जब आप लोग रिपीटेड एक ही सवाल पूछते हैं बार बार और ये नहीं देखते कि पहले क्या पूछा गया है, इसी रीज़न की वजह से हमने sankeedesigner.com प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका अलग से एक पेज जनरेट किया है कि दोबारा पूछने से पहले आप टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं, ट्विटर पे भी कुछ लोग जो उसमें मैसेज डाल रहे हैं, और तो दोबारा पूछने से पहले अच्छा ये कि एक बार आप देख लीजिए कि वहाँ पे उसका आंसर ऑलरेडी है कि नहीं। बहुत सारे रेडीमेड आंसर्स भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको भी देखिए। और बेसिकली जो लोग डिस्करेज हो रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं LOI मिली, NOCs नहीं मिल पा रही, ये रीज़न है इसका, ये रीज़न है। और मैंने बार बार कहा है कि अगर आपकी फाइल फाइनली रिजेक्ट भी हो जाती है, इसमें जो ज्यादा क्वेरीज आती हैं दोस्तों वो NHAI की NOC से कंसर्न आती हैं कि NHAI की NOC नहीं हो पा रही, पहले तो आपको LOI मिलने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो NOC नहीं हो पाती। तो इसको जो है मैं इसमें इस वीडियो में टेकअप करना चाहता हूँ एक स्टोरी के साथ, एक रियल स्टोरी के साथ, कि बेसिकली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए और आप किस तरीके से इसको अप्रोच करें, अपने आप को एम्पावर करें। मुझे लगता है कि छोटी सी स्टोरी आपको हेल्प करेगी ये। तो आप बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। और बिल्कुल डिस्करेज मत होइए कि हमारी जो है फाइल डेड हो गई है, रिजेक्ट हो गई है फाइनली और हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इस स्टोरी को सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में जो है एक सज्जन जो है अपने बेटे के साथ, सन के साथ आए, टीनेजर, और उन्होंने आकर के अपनी फाइल्स तो मुझे नहीं दी, बैग में रखी हुई थी। उन्होंने आके मुझे कहा कि मेरी जो है इस तरीके की एक NOC है और 4 साल हो गए नहीं हो पा रही, और वो हर बार रिजेक्ट हो जाती है और मेरा केस डेड हो गया, तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया है। आप लोग भी ऑनलाइन मुझसे इस तरह की बातें करते हैं कि आपके बारे में किसी ने बताया है, या आप ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछते हैं। तो वो फिजिकली आ गए थे समय लेकर के, तो इंडियन ऑयल का केस था, मुझे बताने में कोई इतराज़ नहीं है, और इस तरीके से 4 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। और वो ही वाज बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब लेटिंग में जो है रोड्स वगैरह का काम लेते थे, एंड ही वॉज सेइंग कि ही इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू कंसर्न NHAI ऑफिस PD, ही पर्सनली नोज हिम। इन स्पाइट ऑफ दैट वो अपना काम नहीं करवा पा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप आए हैं तो मैं देखता हूँ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, 4 साल से केस रुका हुआ तो ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेट मी सी। उन्होंने फिर अपनी फाइल निकाली, हेजिटेशन में बहुत हेजिटेंट थे, उन्होंने कहा आप देखिए मेरी ये फाइल है। तो मैंने मैंने पूछा कि ये फाइल फिर आपके पास कहाँ से आई? बोले मैं कंसल्टेंट से लेके आया हूँ, वे भी दे नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मिली है, मुझे लगा आपसे पूछ लूँ, जस्ट आई विल टेक ए चांस सेकेंड ओपिनियन। तो मैंने कहा ठीक है आइए देखिए, तब तक चाय पीजिए। मैंने देखना चालू किया तो दोस्तों उस फाइल ने मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि केस ना होने वाला है, बहुत ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन वो 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था और अल्टीमेटली लास्ट लेटर ये था कि हो नहीं सकता, कि नॉन कम्प्लायंस है। तो दोस्तों बार बार आपसे कहता हूँ कि 2020 की गाइडलाइन बहुत रिलैक्स्ड है, और अगर आपने अच्छे तरीके से अपने आप को एम्पावर किया है तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनके केस को पढ़ने के बाद मैंने कहा कि इसमें तो मुझे केस में कुछ लग नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है 4 साल से क्यों लटका हुआ, या किस तरीके से आपने अप्रोच किया, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही होगी। तो वो थोड़ा सा नाराज होने लगे, उन्होंने कहा 4 साल हो गए आप मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे तो यही लगता है, इसमें मजाक वाली क्या बात है। तो वो फिर आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ गए, अपने बेटे को भी उन्होंने रिलैक्स कहा, उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम आपको लग रही है? मैंने कहा जी मुझे तो कुछ नहीं लग रहा ये केस होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम लग रही है। देन ही टोल्ड मी कि वो कई बार गए PD साहब से मिले, कई बार उनके कंसल्टेंट ने अप्रोच किया, बट किसी तरीके से वो काम नहीं हो पाया, अल्टीमेटली फाइल डंप है, 4 साल हो गए और उनके सारे रिसोर्सेज बाकी NOCs में बहुत सारा पैसा लग गया है, नाउ ही इज़ हैंड टू माउथ और बहुत प्रॉब्लम है।
तो मैंने उनसे कहा मुझे नहीं लगता है काम नहीं होने वाला, थोड़ा अप्रोच चेंज करिए, प्रेजेंटेशन चेंज करेंगे एंड प्लीज प्रोसीड है। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा मैंने खर्चा किया है तो ठीक है, थोड़ा और सही आप विजिट कराइए और हम इसे कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश कर लीजिए, आखिर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, दोबारा ट्राई कर लीजिए, बाउंस बैक करिए, राधा राय शूट से किया बाउंस बैक करिए, और अब की बार मैं आपको गाइड करूंगा आप किस तरीके से करिए, कराइए खुद ही, क्योंकि आप जो है बहुत ऑलरेडी इसमें डीप जा चुके हैं। तो उसके बाद जो है उनका मैंने तुरंत साइट विजिट कराई, उनका प्रपोजल बनाया, और मैं आपको दोस्तों ऑनेस्टली बताऊं केवल प्रेजेंटेशन चेंज किया और कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वही था। उसको जो चीज़ें दिखानी थी, उनका जो डिवाइडर था उसे कैसे एक्सटेंड करना है, सर्विस रोड को कैसे करना है, और वो नॉन कंप्लायंट केस को कैसे कंप्लायंस में लाना है, इस तरीके से 2020 की गाइडलाइन के परव्यू में लाना है, इस तरीके से उनके केस को बना करके बहुत शॉर्ट टाइम में उसको बहुत अर्जेंटली लिया, बिकॉज वो बहुत परेशान थे, उनको तुरंत हैंड ओवर कर दिया, और उनकी फाइल ऑनलाइन स्कैन होके आई इंडियन ऑयल से, उसको तुरंत अपलोड करवा दिया प्रपोजल पे, 10,000 की प्रोसेसिंग फीस दोबारा जमा करा कर, उसके बाद वो फाइल NHAI में सबमिट हो गई। और चांस की बात है दोस्तों, मैं बहुत सारे काम होते हैं मैं भूल गया उस फाइल को और मैं अपने दूसरे काम में बिजी हो गया एक दिन, क्योंकि मैं बहुत घूमता रहता हूँ, आप लोग भी कहते हैं कभी पटना आइए, कहीं साउथ वाले कहते हैं मुंबई आइए, पीछे मुंबई हमारी पूरी टीम रही, पटना अभी भी हमारी टीम है, और मेरा भी पटना का टूर है, मैंने बहुत से लोग को प्रॉमिस किया हुआ है, तो जब OMCs के जो केसेस हैं जब उनके लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो मैं पटना जरूर हाजिर हो पाऊंगा, बिहार के जो लोग मुझसे टच में है, जो इंतजार कर रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है, और आप लोगों से मिलूंगा, मेरी कोशिश होगी कि आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ। तो वो जो केस था, अब उसके बाद मैं भूल गया, अपना काम काज में बिजी हो गया दूसरे। एक दिन मैं ऐसे ही कुछ वहां पर NHAI में डिस्कशन करने के लिए पहुंचा, तो बाहर जो PA to PD उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बनाई हुई एक फाइल अंदर पड़ी है, और वो रिजेक्ट, PD साहब उसमें मैंने रिजेक्शन का लेटर बनाया, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन सा केस है, उसने कहा वो वाला केस है, तो मुझे याद आया वो तो मैंने बनाया था, इज ए सेम मैन। तो मैंने कहा कि क्या PD साहब से मुलाकात कर लूँ, बैठे हैं? बोले हाँ। बोले मिल लीजिए। मैं गया तो मैंने उनसे बोला साहब मैं इस केस के लिए आया हूँ, मुझे पहले से जानते थे। तो बोले कि उन्होंने एक फाइल मंगवाई और उन्होंने मुझसे कहा कि केस मैं पहले 3 बार रिजेक्ट कर चुका हूँ, और मैं अप्रिशिएट करूँगा नाइस PD, अंडरस्टैंडिंग PD, और टेक्निकल लोगों को, टेक्निकल चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं। तो मैंने कहा सर, हंसते हुए मैंने कहा सर ये कोई रीज़न नहीं है रिजेक्ट करने का कि आप 3 बार कर चुके हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ उसको एक बार मेरिट्स पे देखिए। उन्होंने फाइल खोली, मुझसे उन्होंने डिस्कशन किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि फाइल रिलैक्सेशन के लिए मंत्रालय जाएगी, इसमें रिलैक्सेशन का ही प्रोसीजर बनता है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से देखा हुआ। मैंने कहा सर एक बार ड्राइंग्स को और देख लीजिए, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया प्रेजेंटेशन को। उन्होंने ड्राइंग्स को देखा, उन्होंने फिर कहा रिलैक्सेशन के लिए जाएगी, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि प्री कंसीव्ड है, क्योंकि 3 बार रिजेक्ट कर चुके हैं। तो मैंने हंसते हुए पूछ लिया किस चीज़ का रिलैक्सेशन सर आप देंगे, तो वो भी थोड़ा सोचने लग गया। मैंने कहा रिलैक्सेशन किस चीज़ का, कौन सा नॉर्म नॉन कंप्लायंट हो रहा है कि आप रिलैक्सेशन देंगे? तो मैं फिर कहूंगा कि बहुत अच्छे अधिकारी थे, तो वो भी सोचने लगे। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे, ये लेंथ ऑफ द सर्विस रोड इतनी होनी चाहिए। मैंने कहा सर ये एक्सटेंड की है, ये अंडरटेकिंग है, ये बीच का डिवाइडर है, इनफैक्ट यहाँ पे आपकी सर्विस रोड बनी है, अनफॉर्चुनेटली आपने डिवाइडर नहीं बनाया है इन दोनों के बीच का, सेपरेटर नहीं बनाया रादर आई शुड से, तो वो हमने प्रपोज कर दिया, वो अपनी कॉस्ट से बनाएंगे और ये इस तरीके से कंप्लायंस पूरी है। तो उन्होंने कहा कहीं पर मुझे गाइडलाइन में दिखाइए, मैंने इमीडिएटली गाइडलाइन निकाली, क्योंकि हमेशा मेरे बैग में रहती है और आधार यहाँ पर रहती है, तो मेरे यहाँ को तो कोई पढ़ नहीं सकता, तो बैग से निकाल के उनको दिखाना पड़ा। उन्होंने उसको पढ़ा, अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, उन्होंने डिस्कस किया, तो दोस्तों कोई कंक्लूजन नहीं निकला, उन्होंने कहा मुझे सोचने दो। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने इतना कंसिडर किया कि उनके दिमाग से ये बात निकल गई कि मैंने उसको पहले रिजेक्ट किया है और ये रिलैक्सेशन में जाएगी, वो इतना कन्विंस हो गए। उसके बाद फिर दोबारा जो है मुझे, मैं फिर अपना चलाया, मेरा जो ड्यूटी थी मैंने कर दी, इंस्पाइट की फाइल किसकी, हमारी बनाई थी, फाइल होनी चाहिए, और अगर कंप्लायंस हो रही है तो जरूर होनी चाहिए, रिलैक्सेशन की है तो जरूर जो है वो MORTH दिल्ली जानी चाहिए रिलैक्सेशन के लिए। तो उसके बाद जो है मैं अपने दूसरे काम में चला गया, अगले दिन मुझे कई और PD के यहाँ मिलना था, मध्य प्रदेश में कुछ केस था, मैं डिस्कशन के लिए वहाँ पहुँच गया, तो मुझे उनके PA का फोन आया कि उन्होंने आपकी फाइल सुबह सुबह कर दी है, आगे फॉरवर्ड हो गई है। कैन यू बिलीव दोस्तों, 4 साल से रुका हुआ केस, और यू विल नॉट बिलीव दोस्तों कि अगले वो विद इन 7-10 डेज में वो फाइल RO NHAI के यहाँ से भी हो गई, बिकॉज उस फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों कि वो फाइल रिजेक्ट हो, केवल प्रेजेंटेशन की कमी थी।
तो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देर इज ऑलवेज ए वे, देर इज ऑलवेज ए वे इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट द वे। हम लोग फोकस करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम अटक गई है, मेरा केस रिजेक्ट हो गया है। हम ये नहीं सोचते कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, हमारा फोकस प्रॉब्लम से हो गया है। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं लगता व्हाट आर द वेज, तो आपको वेज ढूंढने हैं दोस्तों, सॉल्यूशन ढूंढने हैं। और ये जो लर्निंग होती है ना दोस्तों, आपस में डिस्कशन करने से, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी नहीं है, वहां आपको जाके कन्विंस करना पड़ता है। तो ये मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ उस वीडियो के तरीके से, कि बहुत से ऐसे कंसल्टेंट हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी एनओसीज कराई है, बहुत इंपावर्ड हैं। आप उनसे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को उनको देखिए, और आप ये मत सोचिए कि आपकी एनओसी रिजेक्ट हो गई है तो दोबारा नहीं हो सकती, आपका केस डेड हो गया है, आपके इन्वेस्टमेंट बेकार हो गए हैं, आपकी जिंदगी बेकार हो गई है, क्योंकि ये मैसेजेस आपसे ही आते हैं। देर इज ऑलवेज ए वे इफ यू हैव ए विल, यू हैव ए स्ट्रांग विल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि बहुत दूर दूर से बुलाने की बात करते हैं कि आप आइए और हमारी हेल्प करिए, और मैं देख रहा हूँ बहुत गरीब भी हैं और वो किसी तरीके से चाहते हैं उनका काम हो जाए। किसान कैटेगरी, नीचे के तबके के लोग, CFS कैटेगरी के लोग, और मेरी सबके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो है बेस्ट विशेज हैं कि आपका काम हो। और कोई भी केस डेड नहीं होता दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उसमें वे है, गाइडलाइन भी चेंज हो जाती है। जैसे बहुत से लोग जो है, बहुत सारे केसेस मैं देख रहा हूँ UP PWD के या PWD के केसेस नहीं हो पा रहे क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा। हम लोग बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर भी रास्ता ढूंढना है दोस्तों। फोकस प्रॉब्लम पे मत करिए दोस्तों, फोकस सॉल्यूशंस पे करिए और रास्ता निकलेगा। इस वीडियो के बहाने से कुछ ये ना सोचे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने केस को डेड मत समझिए। अगर LOI नहीं मिली है तो उसके तरीके ढूंढिए, अगर केस किसी जगह पर रुक गया है तो उसके तरीके ढूंढिए। आप अपने माइंड की ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और बाउंस बैक करिए और आपकी NOC होगी। मेरी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप लोग को मुझे पूरी उम्मीद है कि sankirtijani.com पे आने पे आप लोग एम्पावर्ड महसूस करेंगे, आपको कुछ कुछ बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।